यार बॉयज एंड गर्ल्स, इधर हमने तस्वीर बना के बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये देखें अब्दुल्ला भाई में जिन चढ़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। तो टाइटल देख के तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि व्लॉग इस बारे में है, लाल सोहानरा के बारे में। लाल सोहानरा नेशनल पार्क, मैं यहाँ गया था अपने दोस्तों के साथ। और सीन ये कि ये हमारा प्लान होना था बहुत 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 सडनली, ठीक है, बहुत सडन प्लान था। मेरे पास टोटल 10 मिनट थे तैयार होने के लिए, 10 मिनट में मैं तैयार हुआ, फिर मैंने जाकर अब्दुल्ला को पिक किया, फिर हमने उमर को पिक किया और फिर हम चले गए। तो काफ़ी जल्दी जल्दी में मैंने तैयारी की थी, तो इस वजह से मैंने कोई इंट्रो नहीं बनाया प्रॉपरली। तो अभी एडिटिंग करते मैंने देखा कि भाई इंट्रो नहीं है मेरे पास, तो अब मैं बना रहा हूँ। और इसी तरह अब जो है मैं अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड करूँगा, उसके साथ साथ जो इंट्रो है, इंट्रो तो खैर यही है, मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड करूँगा और आपको आगे शेयर कराएंगे लाल सोहानरा नेशनल पार्क की। तो देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, इधर पानी का शोर बहुत ज़्यादा है। हम लाल सोहानरा आ चुके हैं और यहाँ पे हमें दाखिल होते ही तीन नहरें दिखी हैं, या तीन नहरें मिली हैं। एक ये रही, ये वाली जाती है नहर बहावलपुर को, एक ये रही मेरे पीछे, ये वाली जाती है अहमदपुर को, अब्दुल्ला ने बताया मुझे, और वो वाली जाती है बहावल नगर को। इधर कहाँ आ रहे हो? अच्छा, ये वाली ये नहर कहाँ जाती है यार? कंफर्म नहीं है, ये अहमदपुर, ये वाली बहावलपुर और वो वाली बहावल नगर, ऐसा मुझे लगता है। ये मैंने बताया था, मैं काफ़ी अर्से बाद लाल सोहानरा आया हूँ। पहले मैं आया था अभी स्कूल की ट्रिप के साथ, और अब मुझे इधर का कुछ भी याद नहीं है। अब्दुल्ला इधर आया हुआ है काफ़ी बार, तो वो हमें गाइड कर रहा है, वो हमें चीज़ें बता रहा है। तो अभी इन्फॉर्मेशन उम्मीद करता हूँ करेक्ट होगी। अब आपको पता है, आप मुझे जानते हैं, मैं रिसर्च तो करने वाला नहीं हूँ, और बस ये है। तो आपको क्योंकि मैं एक गाइड बना के दे रहा हूँ विदाउट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, तो इधर नहरों पर आना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आप आएँ इधर तस्वीरें बनाएँ तो इट्स वेल एंड गुड। मैं तो कहता हूँ बना लो, आए हो तो बना लो, क्या कहते हैं आप, बना लें तस्वीरें, ठीक है। अब आपको पता, हम कहीं भी जाते हैं तो भाई हम एक अच्छा सा सिनेमैटिक जो है ना सीक्वेंस बनाते हैं। तो शाउट आउट अब्दुल रहीम, जिसने मेरा जो है इस वीडियो के लिए एक छोटा सा मुझे 20 सेकंड का सिनेमैटिक सीक्वेंस बना के दिया। और इसके अलावा शाउट आउट टू पार्क विलेज व्यूज़, जिसकी ड्रोन फुटेज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। अभी हमने यहाँ पे तस्वीरें खींची हैं, वीडियोस वगैरह बनाई हैं, और अब हम जा रहे हैं सीधा। ये मेरे साइड पे जो है आपको पार्क नज़र आ रहा होगा, नज़र नहीं आ रहा होगा, मतलब यहाँ पे पार्क है, और सामने सीधा जो है वो जगह है जहाँ हिरन वगैरह होते हैं, ब्लैक बक्स होते हैं, मेरा ख्याल है ब्लैक बक एवेन्यू से कहते हैं। तो अभी हम फिलहाल वहाँ जा रहे हैं, होप सो में वहाँ पर अंदर एंट्री मिल जाती है, तो हम थोड़ा वहाँ पर हिरन शिरन के साथ तस्वीरें और दिखाते हैं ना आपको। हाँ, एंट्री का सीन होता है यार, वो हर कोई हर किसी को नहीं जाने देते। अब देखते हैं आपके साथ, आप उम्मीद करते हैं आज हमारे एक्सट्रीमली बैड सीन्स नहीं होंगे, बहुत नहीं होते हैं। हाँ, तो यार आपके साथ मेरे साथ जा रहे हैं, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, तो दिखाते हैं आपको। जो है ना जी, एक सेंचुरी समझ लें आप, ब्लैक बक की और नील गाय, हिरन सबकी, इतने पीछे आपको नज़र आ रहे हैं, इस साइड पे भी हैं और भी पीछे हैं, काफ़ी बड़ी जगह है, और इसको वायर लगा के सिक्योर कर दिया गया है, वॉल लगा दी गई है, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। तो
درخت بڑا ہی کوئی آرٹسٹک قسم کا درخت ہے ماشاءاللہ. اور یہ پیچھے فوٹوگرافی ویڈیوگرافی سب کچھ ہو رہا ہے اور ادھر ولاگنگ ہو رہی ہے. اور کلوز سے دکھاتا ہوں آپ کو ہرن بات کر رہی ہے جو بتا میں نے بھی کاپی کرنا. بڑا حرامی ہو بیٹا. بھائی جان یہ ایک ٹریکٹر جو ہے نا یہاں پہ بیچ روڈ پہ کھڑا ہوا ہے اور عمر بھائی کو تھا کہ میں نے اسے دھکا دے کے نا نیچے مار کے آنا ہے. چل ساتھ دھکا دے گا تو. پیچھے بندہ کھڑا وہ ویڈیو بنا رہا ہے تم گھبرا ہو نہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ ڈرائیونگ کر رہا ہوں. اپنا عمر جو ہے یہ تصویریں بنا رہا ہے, یہ میرا اسسٹنٹ ہے, یہ ویڈیوز بناتا ہے میرے بلاگ کلپس کی. ان شاء اللہ اس کو میں کریڈٹ دوں گا. اور یہ عبدالرحیم ہے, یہ بھی میری بلاگ کے لیے کلپس بناتا ہے. تھینک یو عبدالرحیم. اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ عبدالرحیم شکایتیں نہیں کرتا, یہ بہت بولتا ہے. عبدالرحیم ہے چھوٹا بھائی, وہ بیچارہ بول سکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ میرے دوست نہیں ہو بچپن سے, 9 کلاس سے ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں. کینٹین میں مجھے کہتا تھا عبدالرحمان, میں نے سو سے پیسے نکالے تو پیسے دے دیا. ایک دور تھا یہ آتا تھا میرے سے پانی پینے, میں ایسے پانی اپنی بوتل میں نہیں پیتا تھا سارا دن پانی, میں پانی نہیں پیتا تھا. اس قدر خودغرض تھا, میں اپنا پانی حرام اس سے پانی دیا. میں کہتا تھا میرے منہ میں لقمہ نہ جائے, میرے بچے بھوکے ہیں. میں انہیں کھلاتا تھا, انہیں حرام اس سے پانی پلایا. ادھر آ کے ہم ایک تلخ حقیقت کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ کیا, ہمارے ادھر ہم کھانے کی نیت سے بھی ادھر آئے تھے اس پارک کے اندر, اور اب دیکھتے ہیں تو جا کے. ابھی آپ کو پیچھے دکھاتا ہوں میں, یہ دیکھیں کینٹین وغیرہ یہاں پہ بند ہے. یہاں پہ عبداللہ کے مطابق چپس پکوڑے اور سموسہ پتہ نہیں کیا کچھ ملتا تھا, اور ابھی کینٹین بند ہے. تو ہمیں وہاں پہ کچھ دیکھ شیک دکھ رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اسکول کے لیے. ہم بھی اسکول کے بچے ہیں بھائی, بن جاتے ہیں مسئلہ. تو دیکھتے ہیں ابھی ہم کچھ کھا پی پاتے ہیں یا نہیں. یہاں پر جو ہے نا کوئی 2 یا 3 اسکولس کے ٹرپس آئے ہوئے ہیں, کچھ آرمی کی گاڑیاں بھی کھڑی ہیں میرے خیال ہے, شاید کوئی اے پی ایس وغیرہ کا ٹرپ ہوگا, آئی ڈونٹ نو. اور ہم یہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں کھانا, کیونکہ ابھی ہمیں لگی ہے بھوک. میں تو گھر سے ناشتہ بھی نہیں کر کے آیا. تو پیچھے آپ کو عبدالرحمان نظر آ رہا ہے, اس کے ولاگ سے فارغ ہوتے ہیں, اس کو نہ دیکھا ہمیں, آپ مجھے دیکھا کریں. مجھے یہ بات بھی معلوم تھی کہ یہ کلمات بھی بولے گئے ہیں میری پیٹھ پیچھے یا میرے سینے آگے, تو بھی ہے مجھے بات بھی معلوم تھی. ابھی ایڈیٹنگ کرتے ہوئے پتہ لگا کہ بھائی عبداللہ نے ایسی بات بھی کی ہے میرے جو ہے میرے خلاف, آڈینس کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی ہے, پرزور کوشش کی گئی ہے. صاف صاف الفاظ میں کہا گیا کہ عبداللہ کا بلاگ نہ دیکھا کریں. دیکھیں اب بدلہ تو میں لوں گا, ظاہری بات ہے. تو بدلہ لینے کے لیے میں نے کیا کیا, میں نے کانٹیکٹ کیا اپنے چھوٹے بھائی عبدالرحیم کو, اور اسے میں نے کہا کہ اس سے میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنوائی ہے اور وہ بیسکلی میرا ریونج ہے. تو ویڈیو کیا ہے وہ ذرا اب دیکھیں. I got 500,000 in cash in case they don't take MX. She wanted to see me, so now I'm headed to the annex. Sorority house, she snuck me in. She tried to keep quiet, couldn't hold it in. I mean the bed was too spring. کیسے دیا آپ کو, ہیں نہیں دیا؟ اچھا بڑا حرامی ہو بیٹا. یہ جو ہے نا وہ وہاں پہ بینچ پڑا ہوا ہے ایک, ٹھیک ہے, بینچ پڑا وہاں پہ.
मेरा भी इशारा वहीं पे था। और ये प्यारी बड़ी प्यारी लोकेशन है, तस्वीरें बहुत अच्छी है यहाँ। लेकिन हमें लगता है, मुझे तो भाई वो जगह थोड़ी सी पूरी स्टार मुझे भी लग रही है, कोई हॉन्टेड हॉन्टेड जगह लग रही है। चेक कर लेते हैं। नहीं भाई, मेरे को नहीं लगा, भेजते हैं चेक करने के लिए। मजा आ चले, तो कैमरामैन मैं चलता हूं साथ। एक हां जाओ जाओ, बहुत बहुत सही। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, हम यहाँ पे आ चुके हैं। अलादगी में देखो एक बेंच रखा हुआ है यहाँ पे, ये भाई प्योरी स्कीम है। अलादगी में एक एक बेंच भी, एक कुर्सी है तो छोटी सी। चप्पल नहीं रखी ना उन्होंने, वरना यहाँ भाई इधर अकेला बंदा क्यों कुछ जाके बैठेगा। अब्दुल्ला कोई और सीन है। इंट्रो यार, तुम तस्वीर में चलो, अब आपके ऊपर आत्मा आत्मा चल गई है। आ गया, तस्वीर बनाओ यार इसकी। अब्दुल्ला से लगना यार। बॉयज एंड गर्ल्स, इधर हमने तस्वीर बना के बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये देखें अब्दुल्ला भाई में दिन चढ़ गए हैं। बहुत अच्छी वीडियो बनी है यार, अखीर की वीडियो बनी है भाई, शहजादे लगे हो आप तो, गुड हो गया यार। ये जो यहाँ पे केजीज है ना, इनकी जालियाँ इतनी छोटी हैं कि कैप्चर करना ना बहुत मुश्किल हो रहा है, अंदर जो भी परिंदा या जानवर वगैरह है। ठीक है, तो ये पिंजरे के अंदर जानवर हैं, इन्हें तो मैं कैप्चर नहीं कर सकता। ये जो बाहर फिर रहे हैं तीन, ये मैं आपको क्लियर करीब से दिखा सकता हूँ। गजब बेइज्जती है। ये था लाल सोहनरा जो हमने एक्सप्लोर किया। वैसे तो बहुत वैसे कितना बड़ा है ये, इतना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम इतना घूम नहीं सकते। ठीक है, हमारी टांगे जवाब दे जाएंगी। और वैसे भी नाश्ता वास्ता हम लोगों ने नहीं किया हुआ, तो अभी हम जा रहे हैं, कोई हम कुछ ढूंढेंगे भाई, कोई ढाबा शाबा ढूंढेंगे, कोई खाना वाना खाएंगे और उसके बाद ब्लॉग का इख्तिताम करेंगे। हाँ जी, तो ये था आज का ब्लॉग। मैंने तो इस ब्लॉग में आपको दिखा दिया कि हमने उधर क्या हरकतें की, क्या शुक्र मेला लगाया, अब्दुल्ला को किस तरह तंग किया और ये सारी चीज़ें। ठीक है, और लाल सोहनरा का जो है एक और ब्लॉग बनाया अब्दुल्ला ने, मेरे दोस्त अब्दुल्ला ने, और बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, एक डॉक्यूमेंटेड वे में है और मुझसे पहले वो अपलोड कर चुका है और बहुत अच्छा ब्लॉग है। ठीक है, मस्ट वॉच ब्लॉग। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, उसे आपने लाजमी देखना जाके इस ब्लॉग के बाद। मैंने जो है हमारे फन टाइम्स दिखाए हैं कि हमने किस तरह मज़ा किया, किस तरह टाइम स्पेंड किया ये सब, और जो लाल सोहनरा की इन्फॉर्मेशन वगैरह है और जो सारे एरियाज़ हैं जो जो है हमने विजिट किए थे उनके बारे में जो है सब अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट किया अब्दुल्ला ने, और उसके ब्लॉग पर वो सब है, तो उसे आप लाजमी देखिएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me.